मैं इसको काफी देर से छत से देख रहा हूँ, ये ऐसे ही घूम रहा है, अकेला चीख रहा है। मैं ना क्या है भाई, चलो इसको अभी तो यहाँ लेके बांध दो। चलो 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 चलो, आए तो दे देंगे बेचारे को। तो आ गई मैं आ गई। तो आप तो पीछे रहो, काट लेगी। अरे ये तो शुक्र कर रहे, उसको बांध के हमने रख लिया। पठान बच्चे ले रहे, ले जाते हैं। वो भी घूम रहा था एक लड़का इसके आसरे में, घूम रहा आगे पीछे। तो मैंने रस्सी बांध दी, मैंने इसको यहाँ बांध दो अभी। एक बच्चे को वो बांध के ये काफी देर से घूम रहा है, यकीन जानो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये जो अभी आपने पहले क्लिप देखे, जो ये बका दुम्बा देखा भेड़, तो कितना प्यारा था यार, अच्छा था ना। तो दोस्तों ये ना दोपहर में मैंने पकड़ा था गली से, ये भैं 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 करे जा रहा, और इस तरफ से जाके मैंने जब देखा गली में, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ घूम रहा था। ये इस तरफ घूम रहा था पूरी जगह पर। तो एक कोई सब्जी वाला था, तो पहले वो देख रहा है इसको कि पता नहीं किसका है, मैं समझा शायद उनका ना हो। फिर एक और आई टीन डब्बे वाला, वो इसके साथ घूम रहा घूमते जा रहा। फिर मैंने उससे पूछा ना भाई आपका है, तो उसने बोला नहीं यार पता नहीं किसका है। फिर मेरे को समझ आया, हमारे इधर एक अंकल आते हैं भेड़ वाले बकरी वाले, जो मैंने आप लोगों को दिखाए हुए वीडियो में, अक्सर आते रहते हैं वो, तो अच्छे खासे उनके पास होते हैं। तो उनका लड़का एक साथ आता है, कभी अंकल नहीं आते तो वो अकेला लड़का आता है, और वो हमेशा एक ना एक बकरा छोड़ कर जाता है। तो इस बार उनसे ये दुम्बा भेड़ छूट गई थी, और इतना चीख रहा मैं गया, बाबा ने पकड़ा उसको, मैंने पकड़ा। फिर मैं रस्सी लेकर आया जल्दी से, उसके गले में बंधवाई बाबा के साथ, फिर उसको घर लाया। और जब गेट पे लाए तो आपके सामने वो, शुक्र है वो जो लड़का आया था वही था वो, उसने उसी वक्त आके लिया, बोला भाई मैंने ना हमें पता है भाई तुम्हारा है, लेकिन आप ऐसे भूला मत करो दोस्त। ऐसे इनके ना काफ़ी बकरे गायब हो चुके हैं, क्योंकि छोड़ जाते हैं, और आपको पता है यहाँ पे लोगों में इतनी इंसानियत नहीं रही है कि वो अपने पास रख लें और बाद में आए तो दे दें। लोग खा जाते हैं, और पता नहीं खौफ से नहीं डरते, अल्लाह के कहर से नहीं डरते। खैर तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, जो मैं और अत्थर भाई लेकर आए थे। ये देखें दोस्तों, हम ये लेकर आए थे जाल, हमारे जो नीचे वाले सेटअप के हैं उनके लिए भी, और बाकी भी जो भी हमारे पास आता है असील वगैरह। अक्सर दोस्तों होता है कि हमारे को धूप में सिकवाना होता है, तो ये लोग उनके पास आते हैं और वो इनको मारते हैं। तो ये बहुत काम की जाली होती है, एक तरीके से पिंजरा ही होता है ये। तो इसके अंदर हम कोई भी चीज़ बन करके रख सकते हैं, बड़ी चीज़, छोटी नहीं दोस्तों। हमने चूज़े डाले थे, वो ऐसे ही निकल गए थे साइड के अंदर से, तो बड़ी काम की चीज़ थी भाई। तो हमने ये ली फौरन, बाकी इसका एक शॉट भी बनाया मैंने, वो आप लोग देखिएगा, बड़ा मज़ेदार है, लाजमी जाके देखें वीडियो में, शॉट बना हुआ छोटा सा मेरा, तो वो बहुत अच्छा है, जाके लाइक कर देना उसको भी, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों पूरे सेटअप को मैंने खोला हुआ है यार, इनको खोल दूँ कबूतरों को, काफ़ी दिन हो गए इन्हें खोले हुए, काफ़ी तो नहीं दो दिन हो गए इनको खोले हुए, आज खोल देते हैं। चलो भाई दो आ गए, अब आपकी बारी। चलो माशाल्लाह भाई, इनको भी आने की पड़ी हुई है बाहर, इन्हें भी खोल देते हैं, हमारे जो नए आए हुए हैं पेयर। चलो भाई आ जाओ यार, ये लड़ता है मेरे से, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये लड़ेगा, ये देखो। अरे मार दिया भाई, अरे चोंच मार रहा है दोस्तों, देख रहे चोंच मार रहा है, इतनी खतरनाक चोंच लग रही है। एक तो छोटी सी चोंच है तोते जैसी, वो इतनी तेज मार रहा है ये। चलो बाहर आओ, अरे बाहर आओ, आपसे अंदर चलाइए जाओ। चलो भाई घूमो जाओ। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं ये रहे यार, इन बेचारों को खोलना है, मैंने इनको खोल नहीं पा रहा मैं अक्सर, सिर्फ इस वजूहत की वजह से दोस्तों, क्योंकि हमारे बच्चों से ये लड़ते हैं, छोटे वाले तमाम को परेशान करते हैं, और ये बड़ा मुर्गा थोड़ा तो ये लड़ता, लाजमी लड़ता, वाइट वाला तो इससे बिल्कुल लड़ता है, और मुझे डर होता है कि कोई नुकसान ना पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे जो चूज़े हैं सेटअप के अपडेट में, वो आज हमारे इधर पहुँच गए हैं, ये देखें आप छोटे छोटे, और नहीं चारों के चारों इधर शिफ्ट कर दिए मैंने, क्योंकि दोस्तों इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम आप देखें काफ़ी चेंज हो गया है, वरना इस वक्त 5 बज रहे हैं अभी, और 5 बजे आप लोगों को पता था कैसी गर्मी हो रही होती थी, मेरे पसीने छूट रहे होते थे, पर अभी अभर हुआ हुआ है मौसम, बादल आए हुए हैं, और खूब अच्छा हो रहा है मौसम। चलो जाओ सारे उधर जाओ, आज छूट है आज तुम लोगों को, तुम अटके ही रहते हो, तुम्हारे पास काम नहीं है कोई, हैं चलो जाओ यार आगे, यार ये बड़ा तंग करता है मुझे। शिकरा को यार पानी पिला दूँ, शिकरा पानी से रह गया, बाकियों को तो मैंने दाना पानी डाल दिया था, सिर्फ शिकरा पानी से रह गया, तो शिकरा को पानी पिला देते हैं। ये लो
तो भाई शिकरे को तो पानी पिला दिया है। अब दोस्तों मुझे ना कॉकटेल जो है हमारे उनकी थोड़ी सी कानापूसी लगी हुई है कि इन्होंने क्या करा है और इनके बच्चे कब तक निकलेंगे। वैसे इनका भी दोस्तों 21 दिन का ही टाइम पीरियड होता है, तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा कि कितने दिन हो गए। तो थोड़ा बहुत कान लगा के मैंने उस दिन सुना भी था तो आवाज़ तो नहीं आई, और इतनी जल्दी निकलेंगे भी नहीं। हम देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा दूँ कि कॉकटेल हमारे कैसे हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये नर है और मादा जो है हमारी वो हांडी के अंदर बैठी हुई है। मैं जब भी झांकता हूँ ना, इसका नर ऐसा परेशान होता है जैसे पता नहीं मैं इसको निकाल के ले जाऊँगा हाथ से छीन के। तो पता नहीं क्यों इतना परेशान होगा, चीखने लग जाएगा फिर मुझे देखेगा। जबकि सुबह जब खाना डालने आता हूँ इनको, जब इनको दाना डालता हूँ मैं, तो यही नर मेरे हाथ के करीब ऐसे आया होता है खाने के लिए कि बस मुझे खाने को दे दो। बाकी दोस्तों मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, क्लास का बेहतरीन, और उसमें ये जब खुले हुए होते हैं तो बहुत खुश लगते हैं देखें। और हमारा जो ये पेयर है ना, ये देखें वाइट वाला दोस्तों, ये जल्द अंडे करवा देगा। ये देखें नर जो है मादा के लगा पड़ा है पीछे और ये जल्द अंडे करा देगा। चलो यार अच्छी चीज़ है, गुड न्यूज़ तो दिख रही है ना, मतलब दिख रही है दूर से ही यहाँ होने वाली हैं। ताकि कल जो हुआ दोस्तों बड़ी दुख है उस चीज़ का। काला खान, हमने एक बहुत असील मुर्गा अपने हाथ से खो दिया, और एक होता है उसको जाना था, उसकी ऐसे ही लिखी थी, पर कुछ होता है कि खो दिया। वाकई में दोस्तों बहुत प्यारी नस्ल थी वो। इनको यार आज मैंने ढक के रखा हुआ अपना बजेज का जो सेटअप है दोस्तों, बजेज होगो रोमो लुटिनो वगैरह, क्योंकि आज हवा बहुत तेज़ थी इसलिए मैंने कॉकटेल को भी ढका हुआ है दोस्तों। आज हवा इनके हिसाब की नहीं थी, जब तेज़ हवाएं चला करें तो इनको ढक के रखा करें ताकि ये बचे रहें। बाकी हमारे माशाल्लाह सारे बजेज और डव बहुत खुश हैं और हेल्दी हैं। हाँ, ये तो मुझे डायनासोर लगते हैं बिल्कुल। मुर्गियाँ जो होती हैं वो डायनासोर की नस्ल से लगती हैं दोस्तों। तो चलें दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया है और थोड़ी देर बाद मगरिब होने वाली है। बाकी इनको मैं खुला रहने देता हूँ दोस्तों, ये थोड़ा बहुत यार और घूम लें, और इनको भी खुला रहने देता हूँ। और शिकरा जो हमारा बेताब हो रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन शिकरा तुम्हें कल खोलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं रहा, तुम्हें दाना पानी सब दे दिया है, शिकरे को हम कल खोल लेंगे। और हमारे जो चूज़े हैं यार बेचारे, वो भी दोस्तों ये देखें कैसे आ रहे हैं बेचारे, खुल नहीं पा रहे हैं। आओ एक को पकड़ूँ मैं तुम्हारे को, अंदर से ही पकड़ लिया। नहीं नहीं आ रहे, बड़ा काटते हैं यार गंदा, इनकी चोचों में जान आ गई है भाई इनको। दोस्तों अगर आप लोगों को बड़ा करना है तो ये बता दूं, अगर आप लोगों के पास भी चूज़े हैं मिस्री, फार्मी, देसी कोई से भी, उनको जल्दी बड़ा करने का तरीका फीड ही होती है और उनकी अच्छी डाइट होती है जो मैंने आपको बताई हुई है बैग पे। वो डाइट तो आप खैर असील को दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि असील जो होता है वो आपको पता है थोड़ा ज़्यादा जानदार निकलता है। ये फार्मी और मिश्री वो तो नॉर्मल खाने पे भी पल जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं रख रहा मैं, वैसे एक बात बता रहा हूँ आप लोगों के ही फायदे के लिए। बाकी इनको आप अगर फीड देंगे तो बहुत अच्छा होगा। खैर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग हाजमी पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े आ रहे हैं इन लोगों को, कुछ भी नहीं है। वो देखें वो हमारे पेयर बनाने में लगे हुए हैं, और ये जो दो हैं ना इनका मेरे समझ नहीं आ रहा।